कहते हैं आप बैठो, मैं आपको बैठा साहब बैठो। ये देखो इधर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह फोन किया मैं भी किया। आप हमारी सुन लो, ये कौन से बारे में थी? हम लोग आपको नहीं, मुझे एक बात बताइए, अठारह फोन किए, कोई भी बारे में फोन उठाना चाहिए कि नहीं? मैं आपको ये बात बोलो, आपको फोन उठाना, फोन कर रहा है ये आदमी, फोन नहीं उठाता, बैठ करके जो है वो बस सर्टिफिकेट मेडिकल दे करके लोगों से पैसा लेते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा नाम डॉक्टर योगेश पाटिल है, मैं यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर करके काम करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी चार्ज मेरे पास है। आज शाम में लगभग 5 बजे के आसपास हम लोग, मैं, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर किशोर डांगे सर और हमारे ACS डॉक्टर रितेश महाले सर और हमारे दो चार कर्मचारी, हमारे यहाँ एक कोरोना संशयित पेशेंट एडमिट हुआ है, उसका रिपोर्ट हमने सैंपल लेके नासिक के लिए भेजा था, तो उसका आगे का क्या प्रोसीजर करना है उसके बारे में चर्चा करने के लिए डांगे सर के कैबिन के पास खड़े थे। उसने मैं डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद साहब MLA और उनके साथ में दो चार उनके कार्यकर्ता वगैरह वहाँ पे आए और वो डांगे सर के कैबिन में जाके अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। फिर हम लोगों को बाहर आवाज़ आने लग गई तो हम लोगों ने, हमारे हितेश महाले सर ने वो दरवाज़ा खटखटाया और अंदर घुसे, मैं भी घुसने की कोशिश किया लेकिन उन लोगों ने मेरे को बाहर निकाल लिया। तो अंदर जाते ही मैंने देखा कि वो लोग बहस कर रहे हैं डॉक्टर डांगे सर से, तो हमारा एक कर्मचारी है यहाँ पे मयूर करके, वो लैब का काम करता है, वो भी अंदर जाने लग गया कि आप क्यों इतना चिल्ला रहे, इतना भीड़ मत करो, आप मास्क पहनो। तो उन लोगों ने उसको धक्का बुक्की की, लाता मारे और गाली गलौज देके बाहर ली। मैं मुफ्ती साहब से भी रिक्वेस्ट किया कि सर ये 144 लगा हुआ है, हम लोग क्या बात कर सकते हैं बैठ के, आप इन लोगों को बोलिए शांति से बैठे और गाली गलौज ना करें। मुफ्ती साहब ने उन लोगों को कुछ नहीं बोला और उन लोगों ने डांगे सर को चेयर पर बैठा दिया हाथ पकड़ के और वो बाकी के गाली गलौज करने लगे। फिर भी हमने दो बार रिक्वेस्ट किया उनसे, फिर वो मयूर हमारा जो सर्वेंट है वो अंदर आया, फिर भी उन्होंने उनके कोई XPA या उसका नाम नहीं पता जो उनके साथ में था, उसने उसको लात मारी। तो ये गलत बात है, हम लोग कोरोना सदृश परिस्थिति में, कोरोना के लोग ना हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं, ऐसी स्थिति में मुख्यालय में पूरा स्टाफ रह रहा है, हमारे घर के बच्चे घर वाले हम लोगों को बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में ही रहो, इधर इधर इन्फेक्शन मत फैलाओ, और देश में 144 लगाया हुआ रहते हुए भी 20-25 कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने मास्क पहना नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे समय हमारे MS को धमकाना या फिर हमारे ACS से गलत बात करना या गाली गलौज करना, ये बहुत ही गलत बात है। इसके कारण से हमारा पूरा स्टाफ स्ट्राइक पे गया है, उनका कहना है जब तक दोषियों पे कार्रवाई नहीं होती और जब तक उनको संरक्षण नहीं मिलता है, यहाँ पे पुलिस चौकी जब तक नहीं आती है तब तक वो सब धरना देने का बोला है। अभी ऐसे कंडीशन में हम लोगों को यही अपेक्षा है कि भारत के प्रधान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और सब मंत्री महोदय, डॉक्टर स्टाफ, आपका मीडिया स्टाफ, बाद में ये पुलिस प्रशासन, ये सब जोखिम लेके पूरे देश में काम कर रहे हैं, ऐसे समय में हमारे कर्मचारियों को मारहान होना या फिर उनका मानसिक संतुलन इस वजह से कम होता है और काम करने में दिक्कतें आती है, तो इस बारे में कार्रवाई होनी चाहिए, यही हमारी अपेक्षा है। हाँ, FIR हमारा वो जो कर्मचारी है वो देने जा रहा है, निवेदन हम लोगों ने पुलिस वालों को दे दिया। किसके नाम से? वो मयूर करके नाम, मयूर जाधव, मयूर जाधव। किसके नाम के? किसके खिलाफ? उनका नाम मेरे को पता नहीं है, वो पुलिस वालों को पूछना पड़ेगा। उनके साथ में जो कार्यकर्ता थे 3-4, वो CCTV फुटेज है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, उसका वो देने वाले। कुछ गलती नहीं थी वहाँ पे जी। मैं कल ही वहाँ पे अंदर जाके उनको इतना ही रिक्वेस्ट की कि आप अच्छे से बात करके बैठ के सब समझा बुझा के बिठा लो, तो उन्होंने, उनके कार्यकर्ताओं ने मेरे को पकड़ा और मेरे पेट में 2-4 लात मारी और मेरे को डायरेक्ट कैबिन से बाहर आ दिया। बोले तेरी कोई ज़रूरत नहीं अंदर आने की, जो बड़े लोग बात कर रहे हैं तू अंदर मत बोल, ऐसा बोल के मेरे को मार पीट करके बाहर कर दिया। जो वहाँ के डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं।
तो क्या मामला है? उन लोगों ने ये कहा कि शहर के एमएलए के साथ 25 से 30 अफराद आकर यहाँ पर गलत हरकतें की, मारपीट की, तो इस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ तक दुरुस्त है, आप इसके बारे में बताएं। 2 बजे आज दोपहर में रिजवान सर और मैं मुफ्ती साहब के संपर्क पर बैठे थे, वहाँ मुफ्ती साहब को फ़ोन आया कि सिविल हॉस्पिटल से जो है रिफ़र कर दे रहे धुलिया सिविल हॉस्पिटल डिलीवरी के पेशेंट को, जिसकी वजह से ये बात चली रही थी। उसी बीच हमको मालूम पड़ा कि रिजवान सर के यहाँ फायरिंग के मामले में खलील दादा को भी सिविल हॉस्पिटल में जानबूझ के एडमिट कर लिया गया और इसमें डॉक्टर डांगे ने बड़े रुपये का लेन देन किया। ये दोनों बात जब हमको मालूम हुई तो मुफ्ती साहब फ़ोन किए, पहली बार डॉक्टर डांगे ने फ़ोन उठाया और उससे मुफ्ती साहब दोनों बात पूछे, तो डॉक्टर डांगे ने बोला कि यार मैं थोड़ी देर के बाद बाकी की बात करता हूँ मालूमात लेकर। उसके बाद हम बैठे ही थे, मुफ्ती साहब ने 3-4 मरतबा कॉल किया, डॉक्टर डांगे ने फ़ोन नहीं उठाए। उसके बाद हम लोग शाम में एसपी ऑफिस गए, रिजवान सर, मैं, मुफ्ती साहब और मुफ्ती साहब के साथ जो गाड़ी चलाता नईम, हम चारों एसपी साहब के पास गए और उनसे जाके ये समझना चाह रहे थे कि खलील दादा जो है वो जेल में नहीं रहते हुए हॉस्पिटल में कैसे है। तो एसपी साहब भी उससे लाइल्मी बताया कि यार मुझे इल्म नहीं कैसे क्या डॉक्टर डांगे उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया, जबकि जब हम किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो उसी वक्त उसका मेडिकल चेकअप किया जाता है और मेडिकल चेकअप में उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं आई, 24 घंटे में मेडिकल चेकअप होता है। तो ये दोनों बातें होने के बाद हम 4 लोग एसपी ऑफिस से निकले और डॉक्टर डांगे के पास गए। डॉक्टर डांगे बाहर मिले के बाद हमने उनको खुद बोला कि ऑफिस में चल के बात करते हैं। हमने उनसे पहला सवाल यही किया कि यार जो हालात हैं शहर के, पहले तो आप डिस्ट्रिक्ट नाकाबंदी है, कोई एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी दूसरी डिस्ट्रिक्ट नहीं जा सकता, और अगर तुम मालेगांव के पेशेंट को धुलिया भेजेंगे या धुलिया रिफ़र करेंगे तो वो कैसे क्या जाएंगा, दुनिया भर की दुश्वारी है रास्ते में। तो ये बातें हमारी हो रही थी। उसके बाद हमने खलील दादा के ताल्लुक से पूछा कि वो किस तरह से तुम्हारे यहाँ एडमिट हो गए, ये बात हमारी चली रही थी। तो 2-3 डॉक्टर थे, हमारी बात उनसे आराम से चल रही थी, मगर कुछ लड़के जो हमको बाद में मालूम पड़ा जो सिविल हॉस्पिटल में मुलाजिम नहीं है, पहले वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे मगर अब नहीं है, डॉक्टर डांगे उनको इसी तरह की गुंडागर्दी के लिए हर वक्त रखते हैं, वो जब ऑफिस में घुसे तो वो 8-10 लोग ऑफिस में घुसे। उसके बाद मामला थोड़े बिगड़े, गाली गलौज पे आए, मगर हमारा ये बोलना है कि आज ऐसे हालात में मुफ्ती साहब इस शहर के नुमाइंदे हैं, अगर उनके 18-18 फ़ोन सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर डांगे नहीं उठाएंगे तो लोग किसके पास जाएंगे। आज मुफ्ती साहब की, हमारी खुद शहर की में ये जिम्मेदारी है कि किसी का कोई मसला आता तो लोग हमारे पास आते, बड़ी तादाद में लोग मुफ्ती साहब के पास जाते, और डॉक्टर का ये रवैया कि फ़ोन नहीं उठाना ये बराबर नहीं है। सिविल हॉस्पिटल के ताल्लुक से हमेशा से आम ये शिकायत रही कि वहाँ कामकाज नहीं किया जाता, कोई भी मामला होता धुलिया सिविल हॉस्पिटल भेज दिया जाता, ऐसे हालात में आम शिकायत थी। और हर वक्त तो सिविल हॉस्पिटल में अगर एक आम आदमी भी, एक मरीज़ है, उसका कोई मरीज़ है और वो पेशेंट अगर वहाँ गया और किसी का रवैया सही नहीं रहा, अगर उसने कोई बात गुस्से में बोल दिया, सिविल हॉस्पिटल के जो ठेके पे लगे हुए कुछ लोग हैं जिसको डॉक्टर डांगे जानबूझ के रखता, वो लोग स्ट्राइक पर आ जाते। आज मालेगांव शहर के एमएलए, उनके ताल्लुक से अगर इस तरह की स्ट्राइक होंगी तो हम भी स्ट्राइक कर सकते, मगर ऐसे हालात में हम जमावबंदी का कानून तोड़ना नहीं चाहते, और हम खुद डॉक्टर डांगे और उनके जो वहाँ ठेके पे लगाए हुए कुछ गुंडे हैं और जो आज ठेके पे नहीं हैं, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके नाम भी हमारे पास आए हैं जो वहाँ काम नहीं करते मगर वहाँ रहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ़ हम खुद गुनाह दाखिल करवाएंगे कि ये जमावबंदी के खिलाफ काम काज करते। आज मालेगांव में ऐसे हालात होने के बाद ये रुपया पैसा लेके बोगस सर्टिफिकेट देते, और अगर डॉक्टर डांगे और उनका स्टाफ, हमारी कोई डॉक्टर से वहाँ लड़ाई थी नहीं, जो लोग घुसकर आए वहाँ पर, जो लड़के वहाँ घुसकर आए उन्हीं से उज्जत तकरार हुई, और जब जो अंदर आया वो ऐसे हिसाब से आया कि हमको लगा कि यार वो कोई हमारे ऊपर कोई बात ना कर दे, तो नईम जो है उनको सिर्फ धक्का दे के बाहर निकाला और उससे भी वो लोगों ने धक्का मुक्की की नईम से। तो ऐसे हालात में हम खुद उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि शहर के हालात बिगड़े, इसलिए हमें कई तरह के फ़ोन आ रहे कि यार हम भी वहाँ सिटी पुलिस स्टेशन जाएँ, धरना दें,
मगर इन हालात में इतनी बड़ी महामारी चालू है, हमारी एक जिम्मेदारी है, ये शहर में हम जिम्मेदार हैं, तो हम ऐसे हालात नहीं बनाना चाहते जो 144 का उल्लंघन हो, जो सरकार ने आज लॉकडाउन किया है उसका उल्लंघन हो। मगर मीडिया और पूरा शहर देख रहा कि डॉक्टर डांगे और उसके गुंडे लोग इस शहर में ना ही प्राइम मिनिस्टर की बात मान रहे हैं, ना ही महाराष्ट्र सरकार की कोई बात मान रहे हैं, खुला जो लॉकडाउन है और 144 दफा लगी हुई है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो हम भी पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि सबसे पहले इनके खिलाफ गुनाह दाखिल किया जाए। अभी आपने कहा कि धक्का मुक्की हुई, लेकिन डॉक्टर्स का इल्ज़ाम है कि उनके साथ हाथापाई की गई। गलत बात है, जो उन्होंने वीडियो बनाई उसमें भी अगर कोई देख ले तो धक्का मुक्की है, और लोग उनके घुस के आए, हम तो चार ही लोग वहाँ थे, और इसकी गवाही कोई, हम ये नहीं बोल रहे कि इससे ले लो, मालेगांव के एसपी साहब जो है वो खुद इसकी गवाही देंगे कि उनकी ऑफिस से हम चार लोग निकले और वहाँ गए।